भतीजे पर लगा अपनी चाची के खून का इल्जाम। खानदानी तनाजा की वजह से कुल्टी थाना 65 नंबर वार्ड नीचू ग्राम के रहने वाली रीता साव का भुजाली मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि रविंदर साव और रोहित साव नाम के दो लोग एक निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने विनोद साव, सूरज साव और मुन्नी साव को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। यही मारा ब्लड है, तीन को भुजाली मारा है, एक माथा में, एक गर्दन पर, एक पेट में। झमेला इसे लड़कियां उसको परिवार को गाली दे रही थी कि ऐसा है वैसा है, तो बोला काहे गाली दे रही है, तो उसका भाई को बोला कि अरे बाबू गाली दे रहा है, काहे नहीं डांटता है। गाली कौन दे रहा था? लड़की को जो ममता नाम है। किनकी लड़की है? विनोद का लड़की है। और गाली दे रही थी, ईटा पत्थर चला रही थी, तो बोला काहे गाली दे रही है, अरे जो झगड़ा है अपना बैठ कर समझ लो। इसके बाद उसका भाई तो उसको डांटा, और डांटने के बाद में उसका बाप आया विनोद साहब, ऊपर से पत्थर को चलाने लगा, ईंटा ऐसा गिरा हुआ है वही चलाया, और चलाने के बाद में दीपक आया उसका लड़की का भाई, इस रास्ते से चढ़ा और उस रास्ते पर उतर करके और भुजाली से, एक भुजाली माथा में, एक भुजाली गर्दन में, एक भुजाली पेट में। अच्छा, किनको लगा था भुजाली? तो रीता साहब। आपकी कौन है वो? भवा है, भाई का जाना वीरेंद्र साहब का वाइफ। और भी कोई घायल हुए हैं? और वीरेंद्र साहब का माथा में लगा है भुजाली या रॉड, और रोहित का बायां साइड में हाथ में, यहाँ से आधा हाथ कट गया, उलट गया है, और थोड़ा सा सीने में लगा है। तो ये पहले से झमेला फैमिली मैटर था? पहले झमेला नहीं रहा, वो लड़कियाँ जब तब सीट खोपड़ी है, कोई बोल दिया तब गाली देने की। अच्छा, मतलब भतीजा ही अपने चाची का हत्या किया? हाँ। तो प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन को हम लोग यही बोले कि उन लोगों को घर भर करके ले जाइए, उसका वहाँ लड़की तो और उसका दादी को पुलिस कहीं दूसरा जगह में रखी है, महल्ला गोटा महल्ला का कहना में यही है कि पुलिस उसको उठा कर ले जाए, और जो कानूनी कार्रवाई है उसको सजा दिया जाए। तो क्या पुलिस उठा कर ले गई है किसी को अभी तक? लड़का को, मैंने लड़की के बाप का, विनोद साहू को और सूरज साहू को और विनोद का जनानों को उठा के ले गई। मतलब तीन जन की गिरफ्तारी हो चुकी है। और दो जन का, वो लड़की को और उसका दादी को पुलिस कहीं ले कर रखी है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र साहब। आप कौन हुए? हम लड़का लोगों सब का बड़ा पापा हुए, वीरेंद्र का बड़ा भाई। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर कर्नल दीप्तांशु चौधरी और मेयर जितेंद्र तिवारी ने रानीगंज अस्पताल में जेरे इलाज जमुड़िया थाना इंचार्ज सुब्रतो घोष की इयादत की। वजीर आला ममता बनर्जी की हिदायत पर वो लोग ओसी को देखने अस्पताल पहुंचे। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सीएम ने खुद फोन करके ओसी का हाल पूछा है। प्रतिनिधि हिसाब से हमारे कर्नल साहब के पार्टी से हम कर्नल साहब इससे आज मुख्यमंत्री आगे ही फोने खबर नहीं छिला, आज के निजे चोखे उन्हीं देखे गए एवं नेचुरली जेटा देखे चाहे कर्नल साहब सेटा निश्चय सर। इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभेच्छा दी, मुख्यमंत्री ने शुभेच्छा दिया था फोन पर, और आज अपने प्रतिनिधि के रूप में फल वगैरह देकर भेजा, और मुझे लगता है कि शायद अपनी आंखों से वो देख जानना चाहती है कि आंख से देख के वो कैसा है ये देखना चाहती है। तो कर्नल साहब आए हैं, देख के गए हैं, सारे परिस्थिति देखा है, उन्होंने मुख्यमंत्री का वार्ता भी उन्हें दिया है, फल भी दिया है, और मुख्यमंत्री ने और जो जो कहा शायद कर्नल साहब ने उन्हें बताया। পুরুলিয়া একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে উনি খুব ভালো করে সেটাকে ফেস করেছেন এবং ওনার একটা পা ভেঙে গেছিলো, তাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার সঙ্গে কথাও বলেছিল এবং আজকে কিছু ফল পাঠিয়েছে ওনার জন্য, যেন উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভালো থাকেন এবং আবার যেন কর্মরত হয়ে যেরমভাবে সাহসীভাবে যেরমভাবে মোকাবেলা করছেন, আবার এটা ঠিক হওয়ার পরে যেন উনি আবার তৈরি হয়ে পুরো পশ্চিম বর্ধমানে আবার কর্মরত হয়ে কাজ করতে পারে।
कुलटी के 71 नंबर वार्ड के समाज सेवी खुर्शीद अनवर भी अपने वार्ड के जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दूसरे मरहले में वो रोजाना राशन की तकसीम कर रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद शहबाज भी इस कार्यखैर में साथ दे रहे हैं। तादाद गिनती गिनाना इस बेला अच्छी बात नहीं है। हर आदमी से जो उस लायक है, जो जितने ज्यादा से ज्यादा गरीबों का मदद पहुंचा सके। अब बेचारे वो गरीब मर रहे हैं जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो बहुत से गरीब बोझा ढोते हैं, वो सब जो परेशान है। हम लोग उसी को अपने वार्ड में 71 नंबर वार्ड में हर घर 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 में जाके पहुंचा रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, जो हमसे हो सक रहा है वो कोशिश जितना ज़्यादा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। डेली आज चार पाँच दिन से हम कर ही रहे हैं, जहाँ तक सकेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे करने का। और बाकी आओ लोगों से गुजारिश है, इस कोरोना के टाइम में ये बीमारी जो ऐसी बीमारी है, जो छुआछात की बीमारी है, सब अपने अपनी दूरी को बना के रखें और जितना ज़्यादा ज़्यादा घर में कोशिश करें रहने का, कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। सरकार का साथ दीजिए और अपने आप को भी बचाइए और सरकार को भी बचाइए। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अनवर हुआ। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क गिर पैमाने पर तालाबंदी की गई है। मास्क लगाकर बाहर निकलना लाजमी करार दिया गया है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे लोगों को सामान ना दें जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हो। इसके बावजूद कुछ सरफिरे लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सनीचर के रोज देखा गया कि दुकानदार और खरीदार दोनों हिदायत की धज्जियां उड़ा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। तो आप दुकानदारी बिना मास्क से क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बिना मास्क का दुकानदारी? कस्टमर भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। गर्मी थोड़ा लग रहा है, गर्मी लगने से होगा। नो मास्क नो सेल। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी तुरंत खोले भैया। क्या नाम हुआ आपका? सायुद है। क्यों भूल गया? सरकार बोल रहा है जो मास्क लगाने के लिए, आप क्यों नहीं लगाए बिना मास्क का दुकानदार? हम लगाते हैं, आज भूल गया। क्यों? क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक सर। अभी भूल गया हम, लाने भूल गया। मास्क लगा के नो मास्क नो सेल, तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं आपने लगाया क्यों नहीं? भूल गया। नहीं तो ऐसी दुकानदारी कीजिएगा आप बिना मास्क का? भूल गया। नो मास्क नो सेल। आपने मास्क नहीं लगाया है और दुकानदारी कर रहे, क्यों? अभी तो वो लगाना था। आपने लगाया क्यों नहीं? आपने नहीं सुना कि नो मार्क्स नो सेल? ठीक है, लगा लेना। पंजी सौ। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के शिकार जरूरतमंद लोगों को भूख की मार से बचाने के लिए सनीचर के रोज इलाके में तृणमूल टाउन सदर आलोक बोस और सामाजिक खिदमतगार राजू सिंह की क्यादत में सैकड़ों लोगों के दरमियान राशन तकसीम किया गया।
माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल, कॉन्टेक्ट करें 9334098417688222128। आपके जीवन के खास पलों को और भी खास बनाएं। SARD वेडिंग प्लानर, वेडिंग सेरेमनी हो या बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी हो या आपकी खुशी का कोई भी पल, इन पलों को खूबसूरत तरीके से सजाने की जिम्मेदारी हमारी। मेक योर मेमोरीज मेमोरेबल जस्ट लाइक सेलिब्रिटी स्टाइल। कॉन्टेक्ट SARD वेडिंग प्लानर, मोबाइल नंबर 9851030086, 9641790842, 8942866084 and 9333131466. So don't waste time, hurry up, book now. Fashion Plaza, biggest imitation jewelry and fashion makeup shop in Asansol. All Sri Hari products and guaranteed golden jewelry, imitation jewelry, goggles, wrist watches, purses, dios, bangles, ब्राइडल ज्वेलरी, जेंट्स ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, हेयर एंड पार्लर एक्सेसरीज मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, हमारा पता है फैशन प्लाजा, थर्ड फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल।